तो हे दियर गाइज मेरा नाम है कुशल और इस वीडियो में हम साथ में रैंडम चीज़ों में कुछ ना कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे मेरे कहने का क्या मतलब है वो तो आप वीडियो को आखिरी तक देखो तो आप समझ जाओगे बट लेट मी टेल यू इन पॉइंट्स के मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर द टेक्निकल पॉइंट्स तो वी गोइंग टू स्टार्ट विद द सेंट्रल टेंडेंसी मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताऊँगा वॉट इज सेंट्रल टेंडेंसी

पैटर्न होता है और अलॉन्ग विद डैट मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम अगर आपने पहले कभी सीखी है तो वो एग्जिस्ट क्यों करती है राइट दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू एंड दैट इज़ वाट इज़ अबाउट दिस वीडियो कीप वॉचिंग स्टे ट्यून्ड आई बी बैक आफ्टर द म्यूज़िक ओके वेलकम बैक गाइज एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी जस्ट बिकॉज सेंट्रल टेंडेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपने ये चीज़ बचपन से लेकर आज तक आप आपकी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं इन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बट मैं आपको इसका एक इंटुटिव एक्सप्लेनेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग विच इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल टेंडेंसी एंड वट डू वी मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी इस चीज़ को एक बार समझते हैं इसके अंदर दो चीज़ें हैं गाइज सेंट्रल एंड टेंडेंसी ठीक है टेंडेंसी मतलब होता है किसी चीज़ की फितरत फितरत मतलब उसकी एक तरीके से आप कह सकते हैं आदत या फिर यू नो समथिंग इन बॉन्ड और समथिंग तो एक तो ये टेंडेंसी का मतलब आप जानते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रल सेंट्रल को समझने के लिए आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ अ डेटा ठीक है अब डेटा क्या होता है डेटा हैज़ सम नंबर्स गाइज़ मैं हमेशा नंबर्स को ऐसे बनाता हूँ बट लेट मी राइट सम नंबर्स लेट्स से टेन फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी सिक्सटी नाइंटी एंड वन हंड्रेड सो लेट्स ए फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डेटा एंड नाउ इफ वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ दिस थिंग क्योंकि हम सेंट्रल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे इस डेटा के सेंटर की सो वट डू वी मीन बाई सेंटर दिस सेंटर कुड हैव यू नो इट कैन हैव अ लॉर्ड ऑफ डिफिनेशंस अब आप देखें सेंटर कितने तरीके के हो सकते हैं एक तो यहाँ पर हो सकता है पोजिशनल सेंटर पोजिशनल सेंटर मतलब कि सेंटर में कौन सी वैल्यू आ रही है वी नो दिस डेटा इज अरेंजड इन असेंडिंग ऑर्डर नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे पोजिशन uh, के हिसाब से सेंटर वैल्यू कौन सी है तीन इधर तीन इधर दिस इज देंट्रल वैल्यू राइट सो दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी विच इज पोजिशनल सेंटर एंड इट इज कॉल्ड मीडियन राइट सेकेंड इज गाइज मीन ओके विच इज न्यूमेरिकल सेंटर उसमें हम लोग क्या करते हैं मीन इज नो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको समझनी चाहिए अलॉन्ग विद मीन मैं आपको समझाना चाहता हूँ अबाउट द एक्सपेक्टेशन जो कि हम री इन्फोर्समेंट लर्निंग में भी काफ़ी काम लेते हैं यू कैन चेकआउट आर री इन्फोर्समेंट लर्निंग सीरीज बाई क्लिकिंग इन द आई बटन सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर गाइज वॉट इज एक्सपेक्टेशन सो फॉर एग्जाम्पल आपने जो मीन पढ़ा है ठीक है आज तक आप एवरेज लेते होंगे मीन लेते होंगे नंबर्स का वो मीन कहाँ से आया है वो मीन आया है ऑब्वियसली आपके एक्सपेक्टेशन सो लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशन सो आई मीन टू से जब मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशन इज ऑपरेशन ऑब्वियसली जो कि हम अप्लाई करते हैं डेटा के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं हम एक काम करते हैं सबसे पहले मीन को समझते हैं देन विल अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशन तो अगर लेट्स से मेरे पास पांच नंबर्स हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एंड एक्स फाइव ओकेज फाइव नंबर्स मुझे अगर इन नंबर्स का मीन लेना है वट आई विल डू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री X4 और X5 इन सब को एड करके व्हाट आई विल डू एल डिवाइड बाय 5. इट इज़ वेरी इजी. वी नो हाउ टू टेक मीन अब अगर मैं बात करूं कि ये जो मीन लिया है इसको अगर मैं एक इक्वेशन में बनाना चाहूं, सो वो व्हाट आई विल डू आई विल डू एक्स वन बाई फाइव प्लस एक्स टू 5 फाइव प्लस एक्स थ्री बाई फाइव प्लस एक्स फोर फाइव प्लस एक्स फाइव बाई फाइव मैंने सबको अलग अलग करा नाउ यू कैन सी गाइज यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखूँ सो वट आई कैन राइट वन बाय फाइव इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव ठीक है और अगर इसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा एडवांस तरीके से बताना चाहूँ तो हम अगर मान के चलें मान के क्या चल रहे हैं अगर हम मीन ले रहे हैं तो उसका मतलब यही है अगर हम मान के चलें कि ये पूरा का पूरा डेटा एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसके अंदर हर एक नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है ओके एंड फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी से के इन सब के जो और मैं इसको फॉर एग्जांपल तो क्या इट इज़ अ फैक्ट कि इन सब की जो प्रोबेबिलिटी होगी कमिंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होगी वन बाय फाइव होगी सबकी कैसे निकली क्योंकि पांच में से आप कोई भी एक ले लो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम इट बिकम्स वन बाय फाइव तो हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या है गाइज यू कैन सी हम सभी नंबर्स को उनकी प्रोबेबिलिटी से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज वन बाय फाइव एंड वी आर कॉलिंग इट मीन बट लेट मी टेल यू देर इज वन मोर ऑपरेटर दैट इज एक्सपेक्टेशन एंड इट सेज ई इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू एन मतलब जितने भी रैंडम वेरिएबल्स हैं एंड इट सेज से पी आई अब ये एक्स आई पी आई क्या चीज है इट से आप अगर किसी भी नंबर की एक्सपेक्टेशन निकालना चाहते हैं सो इट विल भी कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विद इट्स प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ठीक है दैट मीनस के ये उसके आने के चांसेस है सो भाई ये जो एक्सपेक्टेशन है इस ही से हमारा मीन निकल के आया है एंड इन मीन वी एज्यूम दैट वी हैव यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे सारे के सारे जो नंबर्स आ रहे हैं दीज आर कमिंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नाउ ये जो एक्सपेक्टेशन है ये अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है बट मीन इज समथिंग विच वी कंसिडर टू टॉक या फिर मीन को हम क्यों कंसिडर करते हैं क्योंकि मीन हमें डेटा का सेंटर देता है सेंटर क्यों देता है क्योंकि हम मान के चल रहे हैं डेटा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से हम अज्यूम कर लेते हैं भले ही वो डिस्ट्रीब्यूशन से हो या नहीं हो हम सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी दे देते हैं इससे क्या होता है हमें उसका सेंट्रल वैल्यू मिल जाती है जो भी उसकी न्यूमेरिकल सेंटर वैल्यू न्यूमेरिकल सेंटर से मेरा क्या मतलब है वन टू और थ्री का मीन आएगा टू ठीक है अब यहां पे ऐसी चीज नहीं है अगर मैं लिख दू वन टू और वन हंड्रेड तब इसका मीन टू नहीं आएगा दैट मीन्स मैं अगर यहां पे दो एग्जाम्पल हूं वन टू और थ्री और वन टू और वन हंड्रेड इन इन दोनों के मीन में रात दिन का फर्क होगा क्यों क्योंकि ये न्यूमेरिकल सेंटर है पोजिशनल सेंटर नहीं पोजिशनल सेंटर में हमने क्या देखा था आप पोजिशनल सेंटर लोगे तो वो हमेशा टू ही आएगा ठीक है दीज आर टू टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सिमिलरली एक तीसरी टाइप और होती है दैट इज मोड बट दैट इज नॉट द फोकस ऑफ दिस वीडियो सो नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू मूव ऑन टू आर नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरिएबिलिटी वेरिएबिलिटी में क्या क्या चीज आती है वेरिएबिलिटी में आता है गाइज वेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन

एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्डिए हम क्या करेंगे इसका सबसे पहले मीन निकालेंगे वॉट इज मीन हमेशा याद रखिए एक्सपेक्टेशन का स्पेशल केस जो हम अभी सीखे हैं सो वी विल कॉल दैट मीन फॉर एग्जाम्पल एक्स बार अब हमने क्या करना है इन सभी डेटा पॉइंट का मीन से डिस्टेंस निकालना है या फिर डेविएशन निकालना है सो विल डू एक्स आई माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर इसका मीन और इसका अंडर रूट ठीक है दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन

द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियाबिलिटी ये दो चीज़ें हैं जो मिला के आप काफ़ी चीजें समझ सकते हैं सेंट्रल लिमिट थियोरम सो नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट सेंट्रल लिमिट थियोरम सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंट्रल लिमिट थ्योरम ट्रस्ट मी इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इट हैज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप समझेंगे थोड़े टाइम बाद बट मैं आपको फटाफट से बताता हूँ बड़े सेंट्रल लिमिट थ्योरम इट सेज आप अगर मान के चलें कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा क्या मतलब है उसकी जो शेप और साइज है इट इज़ सम समॉट ऑफ अ रैंडम वो कोई शेप को डिफाइन uh, नहीं करता अगर उस डिस्ट्रीब्यूशन से आप छोटे छोटे सैंपल लेते हैं सैंपल लेने से मेरा क्या मतलब है आपने मान लीजिए दस नंबर उठाए ऐसे दस दस के मान लो एक हजार ग्रुप आपने उठाए अब अगर उन एक हजार ग्रुप्स का अगर आप अलग अलग मीन लेते हैं मीन मतलब आपने मान लीजिए एक हजार मीन निकाले और उन एक हजार मीन की अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन है रिलेटिव वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नो मैटर नो मैटर कौन से सोर्स से आप रैंडम नंबर ले रहे हैं अगर उनके मीन की अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे छोटे छोटे सैंपल उसमें बना के दैट विल कम आउट टू बी अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी एक रैंडमनेस से एक शेप निकलेगी इसीलिए वीडियो का टाइटल था लेट्स फाइंड सम पैटर्न इन द रैंडमनेस लेकिन ये क्यों हुआ वो समझना बहुत जरूरी है तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इट हैपन्स विद द मीन के अगर आप मीन लेते हैं और मीन क्या है अपने आप में एक अजम्पशन है कि हम ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेते हैं कि वो सारे नंबर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं वैसे वो यूनिफॉर्म से नहीं आ रहे सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है बट वी अज्यूम दैट आर कमिंग फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन याद कीजिए जब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक्सपेक्टेशन और उसके बीच में डिफरेंस बताया था तो ये एक अजम्पशन की वजह से क्या होता है मोस्टली नंबर कम आउट टू बी इन द सेंटर ऑफ द होल पैटर्न क्योंकि हम मीन ले रहे हैं दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी और उस सेंटर के ही आसपास आसपास वो घूमते हैं एंड दैट टेक्स अ गॉसियन शेप दैट्स वाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम ऑफ चीज और लेट मी जस्ट यू वन शॉर्ट असाइनमेंट और उस असाइनमेंट को आप मुझे ई कर सकते हैं तो so, ये छोटा सा असाइनमेंट है इज एंड इन दिस वट यू हैव टू डू जैसे कि आपको मैंने बताया एक आपको सैम्पल जनरेट करना है एंड इट शुड भी फ्रॉम अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इट शुड भी टोटली रैंडम ना गोसियन ना कुछ आपने मान लीजिए टेन मिलियन नंबर्स इसमें जनरेट करें इसमें आपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए सेलेक्ट योर सैपल साइज़ लेट इट बी हंड्रेड लेट इट बी फिफ्टी वट एवर फॉर एग्जाम्पल अगर हम हंड्रेड का सैम्पल साइज लें तो ऐसे कितने सैम्पल बन जाएंगे टेन मिलियन बाय हंड्रेड सैंपल्स बन जाएंगे ये जो सारे मिलियन बाय uh, हैं, आपको इनके साथ क्या करना है? मान लीजिए ये मिलियन छोटी छोटी जो रैंडम uh, नंबर मतलब ऐसी X है, आपको इनके ऊपर दो चीजें करनी हैं है एक चीज है आपको इनके अंदर मीन निकालना मीन क्या होता है यू नो ट इज मीन ठीक है तो हमारे पास क्या होगा एक लिस्ट निकल के आएगी जिसमें कितने नंबर होंगे एक्स होंगे ठीक है दूसरी चीज आपको क्या करनी है आपको एक्सपेक्टेशन निकालनी है एक्सपेक्टेशन कैसे निकालनी है आपको क्या करना है ये इक्वेशन यूज करनी है है समेशन इक्वल्स टू टू और ये xi क्या है? ये क्या आपको पता है ये सारे जो नंबर्स इसके अंदर हैं तो आपको सारे नंबर्स को क्या करना है पी आई से मल्टीप्लाई करना है पी आई शुड बी रैंडम तो आपने क्या करना है पी आई लाने के लिए जीरो से वन के बीच के नंबर्स जनरेट करने रैंडम नंबर्स वट एवर द प्रोबेबिलिटीज उसको मल्टीप्लाई कीजिए एक्स आई के साथ एक एक को एंड यू जस्ट यू नो कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन नॉट द मीन एक्सपेक्टेशन ऑन द रैंडम प्रोबेबिलिटीज आपके पास क्या आएगी एक्स नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशन आएगी इसकी बनाओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाओगे पीएलटी डॉट हिस्टोग्राम से इट विल गिव यू अ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये पी एल टी है मैट प्लॉट लिप से यू कैन डू इट जस्ट गूगल इट वट लाइक हरू डू इट ये आप एक प्लॉट कीजिए ये आप एक प्लॉट कीजिए पी एल टी डॉट हिस्टोग्राम एंड यू विल गेट टू नो वाई सेंटर लिमिट थ्योरम एग्जिस्ट और मुझे जरूर आप अगर ये कर लें ई मेल मी एंड आल जस्ट अप्रीसीिएट यफर्ट्स सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो मैंने कोशिश की थोड़ा अलग तरीके से समझाने की एंड आई होप यू एन्जॉयड स्टेट Subscribe to the channel, like the video, share it with your friends, and I'll see you in the next one.